हेलो क्लास सिक्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओपन योर बुक पेज नंबर 7। प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द प्लेस और द पोजिशन वेयर इट अकर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई नंबर है 4, 6, 5, 7, 8, 9, 0। स्टूडेंट, ये नंबर जो है इसे हमें क्या पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore। आपको कॉमा लगाना पहले बता चुके थे, अगर इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना हो तो 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका लाख है, ये आपका ये करोड़ है, ये लाख है, ये थाउजेंड है, ये आपका 1,00,000। 4,65,78,902। अगर हमें किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमें इसकी जो पोजीशन है, यानी कि ये जो डिजिट है किस पोजीशन पे है, इससे पहले सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, 5 का अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो 5 की पोजीशन कहाँ पे है, लाख। तो 5 की पोजीशन लाख पे है, तो हम लाख को 1 लाख से, 5 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख में 5 0 होता है, इज इक्वल टू 5। ये आपके आपकी 5 की प्लेस वैल्यू है। यानी कि हमें प्लेस वैल्यू निकालना होता है तो क्या करना होता है, जो इसकी पोजीशन है, यानी कि वो जिस पोजीशन पे है, जिस प्लेस पे है, उस प्लेस की जो वैल्यू है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी उस डिजिट की। एक बार और फिर से बच्चों, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जो डिजिट है उस डिजिट की प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू है उसको, प्लेस है जो, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लेस वैल्यू पता चल जाती है। अगर 4 की करना हो या 6 की करना हो तो 6 की क्या करेंगे, 6 की है 10 लाख पे, ये लाख है, ये 10 लाख है, तो ये 10 लाख पे है। तो हो जाएगा 60 लाख, ठीक है। 4 की पता करना हो तो ये करोड़ पे, तो 1 करोड़ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 4 करोड़। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया, प्लेस वैल्यू के निकालने के लिए जो डिजिट होगी वो जिस पोजीशन पे होगी, जिस प्लेस पे होगी, उस प्लेस की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डिजिट की प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये जो 5 की हमने प्लेस वैल्यू निकाली थी, इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 0 था। 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 के आगे आ गया, 6 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इसमें आपने क्या देखा कि जो आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है वो डिजिट रखेंगे और बाकी आगे को सबको 0 कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 392 है, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमने 3 लिखा, 1, 2, 0, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 300, ठीक है। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 लिखा, 1, 0, 90। 2 की प्लेस वैल्यू, 2 के आगे तो कुछ भी नहीं है, 0 नहीं, सिर्फ 2। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए डिजिट को लिखेंगे और फिर उसके बाद पहले जितने भी डिजिट्स होंगे उन सबको हम 0 बना देंगे, इस तरह से हमें उस डिजिट की प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है।
फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू उस डिजिट की ही वैल्यू होती है, इससे आपके प्लेस से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर हमें देखना हो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फोर नाइन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अब ये नाइन की फेस वैल्यू क्या होगी? नाइन होगी। और इस नाइन की फेस वैल्यू क्या होगी? वो भी नाइन होगी। ये वन के पास है और ये आपका वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख के पास है, लेकिन दोनों की फेस वैल्यू सेम है, इसके प्लेस से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस होता है इसकी वैल्यू। फेस वैल्यू सिर्फ डिजिट जो होती है वही होती है, जो डिजिट है उसी को फेस वैल्यू कहता है। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, एग्जाम्पल तो आप लोग खुद देख के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन हमने क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन इन 69,23,491, यानी कि हमें निकालना है 69,23,491 में जो नाइन है, यानी कि कितने नाइन है इसमें? वन और टू, एक यहाँ टेंथ के पास है यहाँ लाख के पास है। ठीक, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और इनका डिफरेंस कितना है वो पता करेंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि नाइन, ये वाली नाइन की वैल्यू है फेस वैल्यू 90। ठीक है, देखिए नाइन का एक जीरो बढ़ा दिया और इस वाली की फेस वैल्यू है नाइन लिख दिया, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, दो जो दो नाइन है उन दोनों नाइन की प्लेस वैल्यू हमें पता चलेगी। अब क्वेश्चन में क्या है कि इन प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है? तो हम जब भी डिफरेंस निकालते हैं बच्चों, तो जो बड़ी गिनती होती है, जो ग्रेटर होती है उसे ऊपर लिखते हैं, जो स्मॉलर होती है उसे हम नीचे लिखते हैं, और फिर इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कैसे निकलेगा? आपकी जो है या ऊपर और ये 90 नीचे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट किया, जीरो में से नाइन जाएगा नहीं, ठीक है, वन हो क्या हो जाएगा, ये नाइन ये नाइन ये नाइन एट, डिफरेंस कितना है बच्चों? 8,99,910। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों की प्लेस वैल्यू निकाल लिया और फिर उसका डिफरेंस निकाल। ठीक, अब इस तरह से आपको करना होगा जिस तरह से ये किया है, द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट नाइन, क्या लिखेंगे हम तो पहले द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट नाइन, द प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड नाइन। ठीक है, कैसे लिखेंगे?
डिफरेंस निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरह से आपको करनी है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, प्लेस वैल्यू वाले, और ये बाकी सारे आप अपने करके देखिएगा इस वाले एक्सरसाइज का, ठीक है। और जो अगले जोन में आएगा तो आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सक्सेसर आप हम आगे पढ़ेंगे, सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर मीन्स आगे वाले नंबर, जो आगे वाले नंबर होते हैं यानी कि जस्ट नेक्स्ट जो नंबर होते हैं उसी को कहते हैं सक्सेसर, ठीक है। अब बताइए बच्चों, 11 के आगे क्या होता है, जी बिल्कुल 12। इसी तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम बड़ी गिनती लिखें 209 के आगे क्या होता है, 20। तो ये जो जस्ट बार बार जो गिनती आती है, नंबर आते हैं, वो आपके सक्सेसर। ये तो आपकी छोटी छोटी वो थी जो पहले आप पढ़ चुके होंगे पिछली क्लास में। अब आपको लाख में और करोड़ में आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर पता चलेगा। तो सक्सेसर आपका क्या है, वन नंबर ऐड कर देते हैं तो हमें सक्सेसर पता चल जाता है, और वन नंबर हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें प्रीडिसेसर पता चल जाता है, ठीक है। जैसे आपका है सक्सेसर है 9729581। इसमें अगर हमें सक्सेसर निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यस 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 8 5 9, ठीक है। अगर इसी को प्रीडिसेसर पर करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। ये आपका 1 है, ये आपका 1000 है, ये लाख है, ये करोड़, 9,72,95,832। ये 831 था, 832 इसका सक्सेसर, और ये 830 है, 831 है, तो प्रीडिसेसर 830, ठीक है। यानी कि एक इसमें ऐड कर दिया यानी कि एक आगे बढ़ गया, प्रीडिसेसर एक हमने सब्ट्रैक्ट किया यानी कि एक पीछे आ गया, ठीक है, बैक हो गया, ठीक है। बच्चों सक्सेसर क्या होता है, एक आगे वाली गिनती, ठीक है, एक आगे वाला नंबर, और प्रीडिसेसर एक पीछे। एक आगे वाला नंबर पता करने के लिए हमें 1 ऐड करना होगा, और एक पीछे वाला नंबर पता करने के लिए हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। और अगर हम इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये बहुत लंबा हो, लेकिन अगर हम ऐसे ही पढ़ के देखें तो आपको अपने आप से ही पता चल जाएगा 831 है यहाँ पर, तो इससे आगे 832 ही होगा, 831 तो इसके पीछे वाला जो होगा प्रीडिसेसर 830 होगा, ठीक है। एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 1,
राइट द सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम जिस भी नंबर का सक्सेसर या प्रीडेसेसर लिखना है उस पहले नंबर को पढ़ लेंगे, ठीक है। रीड करते हैं, तो ये आ रहा है हमारा 3,26,789। अब लास्ट में हमने क्या बोला, 89 के आगे 90, तो सक्सेसर क्या हो जाएगा, 3,26,790, ठीक है। प्रीडिसेसर क्या होगा, 3,26,788, यानी 89 से पहले क्या होगा, 88। इस तरह से बच्चों आप इसको पूरी पहले नंबर पढ़िए, फिर उसके आगे और पीछे वाला जो सक्सेसर और प्रीडिसेसर है उसको आप आंसर में से लिख सकते हैं, ठीक है। आज आपका आपको यहीं तो पढ़ाया जाएगा, आपको क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 8 के सारे, बाकी जितने हैं 7 to 16 और एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1 आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।